लकड़हारा, जिसे इंग्लिश में वुड पीकर कहा जाता है। परिंदों में ये एक वाहिद परिंदा है जिसे कुदरत ने एक अलग सलाहियत से नवाजा है। दूसरे परिंदों की निस्बत वुड पीकर की चोंच की बनावट इस तरह से है कि सीधी खोपड़ी की हड्डी से जा मिलती है, जिससे वुड पीकर को लकड़ी जैसी सख्त सतह पर स्ट्रोक लगाते वक्त इसका दिमाग मुतासिर बिल्कुल नहीं होता। लकड़हारे की जबान इसकी चोंच से 3 गुना ज़्यादा लंबी होती है, जो इसके जिस्म के 3 हिस्से के बराबर होती है, जिसे ये अपनी खोपड़ी के गिर्द लपेट लेता है और दरख्त के तने पर जरब लगाता है, जिससे इसका दिमाग इस चोट से महफूज रहता है जो इसने दरख्त के तने पे लगाई। इसकी ये लंबी जबान खोपड़ी से आगे नथनों में मौजूद होती है। ये अलग कुदरती अम्र है कि इसकी जबान खोपड़ी में कैसे टिकी हुई है। जबान खोपड़ी के गिर्द लपेट लेता है और बार बार चूंचों के दौरान एक इंसुलेटर और झटका जज्ब करने वाले के तौर पर काम करती है। ये उनके दिमाग को सर की शदीद चोटों से भी महफूज रखती है, यानी इसकी जबान हेलमेट के तौर पे मददगार होती है। जब लकड़हारा लकड़ी पर अपनी चोंच से जर्ब लगाता है तो इससे इतनी कुव्वत पैदा होती है जितनी एक कार 15 मील फी घंटा की रफ्तार से दीवार से टकराए। अगर इस कुव्वत से कोई इंसान दीवार पर सर मारे तो उसकी मौत वाकया हो जाएगी। लकड़हारा 1 मिनट में 40 बार और 1 दिन में 10,000 जर्बे लगाता है, वो भी एक जैसी ताकत से। ना तो इसकी चोंच मुतासिर होती है ना दिमाग। अब जानते हैं ये ऐसा क्यों करता है, कौन सी चीज इसे ये सब करने पर मजबूर करती है, तो वो है खुराक। ये एक मुर्दा दरख्त तलाश करता है और अपनी खुराक को महफूज करने के लिए सुराख करना शुरू कर देता है। सुराख बहुत सोच समझ कर बनाता है, क्योंकि अगर सुराख बड़ा हो तो दूसरे परिंदे आसानी से इसकी खुराक चुरा सकते हैं। अगर सुराख तंग है तो बीज टूट सकता है और खराब हो सकता है, और ये काम सर्दियों की खुराक महफूज करने के लिए करता है। मौसम गर्मा के अहतमाम तक अपना खुराक का जखीरा मुकम्मल कर लेता है, जिसे ये सर्दियों में इस्तेमाल करता है। सारी दुनिया में ही पाया जाने वाला ये रंगीन परिंदा खूबसूरती में भी अपना सानी नहीं रखता।